जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो आज का सेशन होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। एज यू ऑल नो कि हम जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हमारी MR 200 सीरीज चल रही है, बट यहाँ इस सेशन में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप सेशन को स्टार्टिंग टू एंड पूरा अटेंड करिएगा, कोई भी सेशन मिस मत करिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और अगर आपको अपने सब्जेक्ट वाइज देखनी है चीज़ें तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, अपना सब्जेक्ट डालिए। आपको हर एक चीज़ जो है हमने बना के रखी है यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक आपका सिलेबस दिख जाएगा। बाकी अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो ई बुक है उसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, बेसिक कंप्यूटर, आपको बहुत सारी चीज़ें सिर्फ 60 रुपीज़ में मिल रही है। इतने कम रेट में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं विद डिटेल वीडियो। इसके साथ हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है, डिटेल वीडियो में दे रखा है, और इसमें वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इतना कम प्राइस में आपको इतनी सारी चीज़ें, यानी रीजनिंग, एप्टीट्यूड, बेसिक कंप्यूटर्स में ऑल ओवर जितना भी कंप्यूटर का कवर है वो सारा आपका दे रखा है ई बुक में। तो इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा कंटेंट आपको सिर्फ ई बुक में मिल रहा है, 60 रुपीज़ में मिल रहा है, तो इससे बेटर क्या होगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास 1 मंथ है, पूरा ये जून है, यहाँ पे आप अच्छे से जो है तैयारी कर सकते हो, ई बुक ले सकते हो, सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से कर पाओगे। तो जितने अच्छे से आप तैयारी करोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, उतने अच्छे आपकी रैंक बनेगी और उतनी जल्दी आपका फर्स्ट काउंसलिंग में ही एडमिशन हो जाएगा। आपको बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एडमिशन में अच्छे रैंक आए तो आप ये ई बुक ज़रूर बाय करें और इसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपकी स्कोरिंग बनेगी। तो इसको आप ज़रूर बाय करिएगा। और अगर आपको बैच लेना है, कंप्लीट सिलेबस के साथ लेना है, हर एक चीज़ डिटेल में वीडियो के साथ चाहिए, तो यहाँ पे आप वो भी ले सकते हैं, 199 में दे रखा है। साथ ही में अगर आप कॉम्बो लेते हैं, बैच, ई बुक और MR 200 सीरीज, जैसा कि आप जानते हैं वो चल रही है, वो लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, जो कि आपको 249 में मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए, अभी भी आपके पास टाइम है, मतलब फॉर ग्रांटेड मत लीजिए चीज़ों को। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कोई भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, आपकी तैयारी अच्छे से रखिए ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो, बिकॉज आपका साल वेस्ट ना हो। इसीलिए हम इतने सारे सेशंस लेकर आ रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो। तो अगर आप बैच वगैरह नहीं लेना चाहते हैं तो आप ई बुक भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए इनफ सोर्स होगा टू प्रैक्टिस। बाकी आपका जो अपना सब्जेक्ट है उसको पढ़ते रहिए, यूट्यूब से हमारे वीडियोस देखते रहिए, हर एक तरह की वीडियोस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं आप, ये प्राइस इतना कम में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और ये हमने आपके लिए ही किया है ताकि आप लोग जो है सभी बच्चे बाय कर पाएँ अपने हिसाब से। मतलब उतना कॉस्ट हमने मिनिमल रखा है ताकि सभी लोग बाय कर पाएँ, किसी को भी पैसे का इशू या फिर पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हमने इतना प्राइस इसका कम रखा है। तो आप जितने भी अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर सकते हैं, वो भी बच्चे ई बुक ले सकते हैं, बैच ले सकते हैं, कॉम्बो ले सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको आंसर जो है मिल जाएगा। किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेरी है, ई बुक से है, बैच से है, कॉम्बो से है, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, आपको सारी चीज़ों का आंसर मिलेगा। शुरू करते हैं सेशन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम बायोस इज स्टोर्ड इन ए रैम, बी रोम, सी ALU या फिर डी नैन ऑफ दीज। तो बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम किस में स्टोर होता है, क्या होगा इसका राइट आंसर? बी रोम। तो ये बी इज द राइट आंसर।
रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर की है वो किससे मेजर की जाती है, KBPS से, MBPS से, फ्लोप से या फिर MIPS से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोप्स, सी फ्लोप्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वॉट इट इज कॉल्ड वेन यू आर रीराउटेड फ्रॉम योर रिक्वेस्टेड इंटरनेट साइट टू अनदर अनडिजायर्ड साइट? ए फिशिंग, बी फार्मिंग, सी रीडायरेक्टिंग या फिर डी हाई जैकिंग? सो उसे क्या कहते हैं, वेन जब आप एक साइट से दूसरी साइट पे अपने आप पहुंच जाते हैं, अनडिजायर्ड साइट जो आप चाहते भी नहीं है दूसरी साइट आ जाती है, डिस्प्ले होने लगती है जब आप इंटरनेट में सर्च करते हैं, तो उसे का क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी फार्मिंग, बी फार्मिंग कहते हैं उसे, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जर्नली वेब एड्रेस इज लोकेटेड बाय ए हाइपरलिंक, बी HTTP, सी URL या फिर डी लोकेटर? तो जर्नली वेब एड्रेस इज लोकेटेड बाय, कहाँ लोकेटेड होता है वेब एड्रेस? तो जर्नली वेब एड्रेस इज लोकेटेड बाय सी URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अ थ्रेट्स इज एनीथिंग दैट कैन कॉज हार्म। तो क्या थ्रेट्स वो सारी चीज़ें होते हैं, कुछ भी हो सकता है विच कैन कॉज हार्म, जो हमें हानि पहुंचाए? तो क्या थ्रेट्स कुछ भी जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं वो होते हैं? ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, कुछ नहीं कह सकते या फिर नन ऑफ दिस? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जिसमें आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, अब आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। तो इसीलिए आपको अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप फटाफट उसका आंसर कर पाए। तो ये बिल्कुल सही है, तो यानी ट्रू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैशे एंड मेन मेमोरी विल लूज देयर कंटेंट्स व्हेन द पावर इज ऑफ, दे आर डायनेमिक, स्टैटिक, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैशे एंड मेन मेमोरी अपना सारा जो है कंटेंट गवा देते हैं जब पावर ऑफ हो जाता है कंप्यूटर का, तो वो कौन से किसके अंदर आता है, डायनेमिक के अंदर, स्टैटिक के अंदर, वॉलेटाइल के अंदर या फिर नॉन वॉलेटाइल के अंदर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आपको पता है वॉलेटाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो सी वॉलेटाइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है, टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, एरियल आर द एग्जाम्पल ऑफ ए फॉन्ट फेस, बी थीम्स, सी स्मार्ट आर्ट या फिर डी क्लिप आर्ट? तो टाइम्स न्यू रोमन और कैम्ब्रिया और एरियल ये आपके किस चीज़ के एग्जाम्पल्स होते हैं? तो ये सारे ही आपके फॉन्ट फेसेस के एग्जाम्पल है। अपने कंप्यूटर में जब कोई भी चीज़ या टेक्स्ट वगैरह एंटर करते हो तो ऊपर आता है कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज करना चाहते हो, तो ये आपके सारे फॉन्ट फेसेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इन पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड्स इन स्लाइड शो व्यू? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ए स्केप की, बी द स्पेस बार, सी द एंटर की या फिर डी द माउस बटन? इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड्स इन स्लाइड शो व्यू? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्केप की, द स्पेस बार, द एंटर की या फिर द माउस बटन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्केप की, तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ
फुल फॉर्म्स हैं जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि बायोस का होता है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, बीपीएस का होता है बिट पर सेकेंड, डीएनएस का होता है डोमेन नेम सर्वर, ईडीआई का होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, एसक्यूएल का होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, पीपीपी का होता है पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल, यूएसबी का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसके बाद वायरस का होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, SNMP का होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, उसके बाद वायोप का होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, NTP का होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, IVR का होता है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, SIP का होता है सेशन इनिशिएशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, वाईफाई का होता है वायरलेस फिडेलिटी, DHCP का होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, उसके बाद WIMAX का होता है WIMAX का होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव। तो ये सारे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे आप लोग बार बार देख लीजिएगा इसको, एक दो बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और भी फुल फॉर्म्स जो है वो मैं आगे सेशंस में लेते आऊँगी, बाकी आपको पूरा एडवांस चाहिए तो आप हमारा ई बुक बाय कर सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है शॉर्टकट कीज़ है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि किसका शॉर्टकट की क्या है। तो जैसे टू डू द प्रेस गो टू टेल मी व्हाट यू वांट टू, तो इसका शॉर्टकट की हो जाएगा ऑल्ट प्लस क्यू। उसके बाद ओपन ओपन का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ओ, सेव का हो जाएगा कंट्रोल प्लस एस, क्लोज का हो जाएगा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कट का हो जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी का आप सभी को पता है कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट का है कंट्रोल प्लस वी, सिलेक्ट ऑल का है कंट्रोल प्लस ए, बोल्ड का है कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक का है कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन का है कंट्रोल प्लस यू, प्लीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट कंट्रोल प्लस ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इंक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट कंट्रोल ब्रैकेट ये वाला क्लोज वाला हो जाएगा, उसके बाद सेंटर टेक्स्ट हो जाएगा कंट्रोल प्लस ई, लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट आपको करना है, लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट करना है तो कंट्रोल प्लस एल, राइट अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस आर, जस्टिफाई अलाइन टेक्स्ट करना है तो कंट्रोल प्लस जे, कैंसिल का हो जाएगा स्केप, अंडू का हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड, रीडू का हो जाएगा कंट्रोल प्लस वाई। तो ये सारे शॉर्टकट कीज इम्पॉर्टेंट हैं, ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मेक श्योर आप सब पढ़ के जाइए, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये सारे आप एक दो बार रिवाइज कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। बाकी ऐसे आगे भी हम सेशंस जो लेकर आएंगे उसमें हम जितने बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन डज कंट्रोल पी, तो कंट्रोल पी क्या करता है, कंट्रोल पी परफॉर्म, विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन डज कंट्रोल पी परफॉर्म, ए प्रोजेक्ट, बी इरेज, सी पेस्ट या फिर डी प्रिंट। तो कंट्रोल पी क्या करता है, इन सभी में से प्रोजेक्ट करता है, इरेज करता है, पेस्ट करता है या फिर प्रिंट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी प्रिंट। तो डी प्रिंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्पैम मेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पैम वेयर अनसॉलिसिटेड मैसेजेस आर सेंड बाय ईमेल। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, फॉल्स है, कुछ नहीं कह सकते या फिर नन ऑफ दिस। तो स्पैम मेल किस तरह का मेल होता है,
जिसमें किसी भी तरह के अननोन सेंडर से या फिर स्पैम मैसेजेस आपको भेजे जाते हैं, तो क्या ये सही स्टेटमेंट बताया गया है स्पैम के बारे में? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी ट्रू इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत पूछे जा सकते हैं, तो मेक श्योर आप एक हर एक चीज़ अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। उसके लिए आपको अपना बेसिक तैयार करना बहुत ज़रूरी है, तो कोई भी चीज़ को आप इग्नोर नहीं करिएगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एन ईमेल? तो इसमें से क्या जो है हमेशा ईमेल का एक पार्ट होता है? ए पीरियड सिंबल, एट द रेट साइन, स्पेस, या फिर नन ऑफ दीज। तो ईमेल का पार्ट हमेशा क्या होता है, सभी को पता होगा ये चीज़, तो एट द रेट साइन आपका ईमेल का पार्ट होता है। तो बी एट द रेट साइन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज OMR। बी पंच कार्ड रीडर ईमेल, सी ऑप्टिकल स्कैनर्स, या फिर डी मैग्नेटिक टेप। तो क्या है? एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है दैट इंटरप्रेट पेंसिल मार्क ऑन पेपर मीडिया इज, तो उसे क्या कहा जाता है जब हम पेंसिल से मार्क करते हैं? सभी ये चीज़ जानते होंगे, तो वो OMR शीट होती है। तो ए OMR इज द राइट आंसर। ए OMR आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है दैट इंटरप्रिटेट्स द पेंसिल मार्क ऑन पेपर मीडिया, जिसे हम OMR शीट कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो मेक श्योर आप सभी को इसका फुल फॉर्म याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? तो इसका आंसर बहुत इजी है, आप सभी को बताना है कमेंट्स में मुझे क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सभी आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सभी को आंसर करना है। आइदर वो राइट हो रॉन्ग हो, आप फटाफट इसका आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ मेनी MB इज इक्वल टू 1 GB? तो कितने MB इक्वल होता है 1 GB के? ए 10 MB, बी 1 लाख MB, सी 20,000 MB, या फिर डी 1,024 MB। तो कितने MB इक्वल होता है 1 GB के? इसका आंसर सभी को पता होगा, सभी इंटरनेट यूज़ करते हैं, सभी को डेटा मिलता है, और आजकल उसमें आपको जब आपका डेटा जितना बचा रहता है उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड करी जाती है, कितना लेफ्ट है डेटा, कितना मिलेगा डेटा, तो हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में आजकल आ जाता है। तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, 1 GB में कितना डेटा होता है, 1 MB में कितना डेटा होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 1,024 MB। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द ए कंपाइलर, बी लोडर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर डी असेंबलर। तो कंप्यूटर खुद से बूट नहीं कर सकता है अगर उसके पास क्या ना हो, क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो खुद से बूट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? ए कीबोर्ड्स, बी स्पीकर्स, सी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, या फिर डी प्रिंटर। तो किस टाइप के जो रिसोर्स हैं वो कॉमनली शेयर करे जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रिंटर। तो प्रिंटर इज द राइट आंसर। ये इस तरह के रिसोर्सेज हैं जो मोस्ट कॉमनली शेयर होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। तो डी, प्रिंटर्स आपका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, वन निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बेट्स, ए 4, 8, 2 या फिर 16। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन निबल आपका कितने बिट्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4। तो ए 4 इज द राइट आंसर, यानी वन निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस सेशन को दोबारा से भी देख सकते हैं, जिससे आपका बार बार रिवीजन हो जाए और आपके दिमाग में सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉल हो पाए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपको कोई भी क्वेरी है ईबुक से रिलेटेड, बैथ से रिलेटेड, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमें हर जगह ज़रूर फॉलो करिएगा किसी भी तरह की अपडेट के लिए। डू फॉलो अस नाउ, अगर आपने नहीं किया है तो। अगर आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड। बाकी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जिन बच्चों ने भी फॉर्म नहीं भरे हैं एलयू के, वो भर लें। अभी भी आपके पास टाइम है, 30 तारीख तक आपके पास टाइम है। बट मेक श्योर आप पहले ही सारी डिटेल्स कर लें, ताकि आप इधर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और किसी भी अदर चीज़ों पर ध्यान ना दें। अच्छे से तैयारी करिए। और जो ई बुक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे लेते हैं तो आपकी बहुत प्रिपरेशन हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे मोस्टली। तो आपको एग्ज़ाम में जाके बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ही हम लेकर आए हैं। जितने भी बच्चे हैं आपसे पहले जो तैयारी कर रहे थे एलयू के, हैं उन्होंने ई बुक बैचेस वगैरह लिए हैं, उन्हें फ़ायदा हुआ है, उनकी अच्छी खासी रैंक आई है। आप रिव्यूज़ में भी जाके देख सकते हैं। बाकी आगे आपकी मर्जी है, यूट्यूब से भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके और वहाँ से तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।